माननीय माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरीके से देश की जनता की सेवा करते रहें, ऐसे हम सब देशवासी प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत बने, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के मैदान से देश की जनता को आह्वान किए, संपूर्ण देश की जनता उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए उनके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन एक सादगी भरा जीवन, देश के लिए समर्पण सेवा के लिए खपने वाला जीवन, और किस तरीके से भारत को आगे बढ़ा सकें, विश्व के अंदर भारत महाशक्ति बन सके, इसके लिए उनके के कार्य को आज संपूर्ण भारत की जनता का समर्थन है, सहयोग है। उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ, तो वह देश के लिए ज्यादा काम कर पाएगा। और इसीलिए आज संपूर्ण भारत में उनके इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों में, सभी विधानसभाओं के अंदर, सभी जनप्रतिनिधि सामूहिकता से प्रयास कर रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र की जनता, अपने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, तन से, मन से, शरीर से। मैं भी कोटा बूंदी लोकसभा का सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, सकुशल रहे और मेहनत से और कड़े परिश्रम से इस भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दे। ये सारा इलाका जो अविकसित है, जहां पर किसान रहता है, मजदूर रहता है, पिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश है कि जिस पंचायत में, जिस गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहां पर मोबाइल वैन के द्वारा जल चिकित्सा के रूप में ये मोबाइल वैन उन छोटे छोटे दूर दराज के गांवों के अंदर वहां पहुंचकर उन लोगों की जांच करें, उनके स्वास्थ्य की जांच करें और उस जांच के अंदर उनको लगता है कि कोई गंभीर बीमारी है और गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं है, तो उस गंभीर बीमारी की संपूर्ण जांच चाहे बूंदी में, चाहे कोटा में कराकर हम किस तरीके से उसका अच्छा इलाज कर सकते हैं, बेहतरीन इलाज कर सकते हैं ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। क्योंकि मैं दूर दराज के गांव में जब जाता हूं
तो मैं देखता हूं कि कई लोगों को गंभीर बीमारी होने के बाद भी कुछ जानकारी का अभाव, कुछ धन का अभाव, कुछ चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने का अभाव, उसके कारण वह गंभीर बीमारी होने के बाद भी गांव के अंदर ही रहता है, लेकिन उसकी गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती जाती है और एक बार वह इस गंभीर बीमारी के कारण इतना त्रस्त होता है, जब वह अस्पताल जाता है तो उस गंभीर बीमारी का इलाज होना असंभव है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हर गांव के अंदर इन चिकित्सा शिविर को लगाकर हर व्यक्ति की जांच हो और कोई गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर बीमारी का इलाज चाहे कोटा में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, हर गंभीर बीमारी का इलाज कराएंगे। धन का अभाव उसकी बीमारी का इलाज न कर सके ऐसा संभव नहीं है। आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हमारी जिम्मेदारी है कि संसदीय क्षेत्र का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सकुशल रहे, तन से मन से स्वस्थ रहे। और आज ये इसकी शुरुआत की है, हर गांव स्वस्थ, हर व्यक्ति स्वस्थ। और हमने कोरोना के समय देखा है कि गंभीर महामारी के कारण, गांव में जानकारी न होने के कारण हमारे कई साथी, हमारे परिवार के कई लोग नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश केवल बुजुर्ग नौजवानों की नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले वो बाल्यकाल के जो बच्चे हैं, उन सारे स्कूल के सरकारी और निजी विद्यालय के बच्चों की भी जांच कराएंगे। और कई बार बच्चों की गंभीर बीमारी बाल्यकाल से होती है और बाल्यकाल से उस गंभीर बीमारी का इलाज करेंगे ताकि वो बालक भी स्वस्थ रहे। और इसी तरीके से जब ये मोबाइल वैन जाएगी, चिकित्सा के अंदर जाएंगे, तो हमारी मां बहनें बैठी है, कई मां बहनों को कुपोषण होने के कारण, एनीमिया होने के कारण, खून के कमी होने के कारण, कई मां जो बच्चे पैदा करती है और कई बार हमने देखा ना बच्चा स्वस्थ रह पाता ना मां स्वस्थ रहती। और इसीलिए ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर जो वजन से कम है और जिनको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा, उनको भी चिन्हित कर 9 महीने तक उनको अच्छा पौष्टिक पोषण मिले, आहार मिले, खाना मिले, ताकि वो भी स्वस्थ रहे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। हम सब जानते हैं कि कोई समय था भारत के अंदर जब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बड़ी संख्या के अंदर हुआ करती, न हॉस्पिटल हुआ करते थे, न चिकित्सा केंद्र हुआ करते थे, न डिलीवरी का कोई साधन हुआ करता था, गांव में दाई डिलीवरी करती थी। अब कुछ साधन बढ़े हैं, लेकिन उस साधन के साथ साथ हमारी कोशिश है कि ऐसी महिलाएं जो शरीर से कमजोर है उसकी 9 महीने तक जांच होगी, हर महीने गर्भवती महिला की जांच होगी और गर्भवती महिला को हर महीने पोषण के साथ साथ उसको जो दवाइयों की आवश्यकता है वो दवाइयां भी दी जाएगी ताकि हमारी हर मां स्वस्थ रहे और उसका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। हमारे जीवन के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 मूलभूत चीजें हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहे और हमारा बेटा अच्छी पढ़ाई करे, इसके लिए हमारा प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर इस 2 साल के अंदर सारे सरकारी विद्यालयों को हम एक स्मार्ट विद्यालय बनाने का काम करेंगे, जहां पर उन बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, संस्कार हो और शिक्षा संस्कार के साथ साथ उसको उस स्कूल में भी शिक्षा मिले और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी दूर दराज के इलाज
इलाके के अंदर, गांव के अंदर भी वह देश और दुनिया की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए हर स्कूल में एक स्मार्ट रूम बनाया जाएगा ताकि वह दुरुस्त शिक्षा भी प्राप्त करें। हमारी कोशिश है कि आज भी भारत को गर्व है कि भारत के गांव में रहने वाला, दूर दराज के अंदर जहां अभाव है, वंचित है, कोई समय था जब लालटेन में पढ़ाई करके हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक बने और राष्ट्रपति। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि गांव के अंदर बौद्धिक क्षमता है, नौजवान कठिन परिश्रम करना चाहता, मेहनत करना चाहता है, उसको अवसर मिलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि गांव में उन पढ़ने वाले बच्चे को, जो हमारा भविष्य है, आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर अगर बदलते भारत की तस्वीर बनाएगा तो भारत का नौजवान बढ़ाएगा, गांव में पढ़ने वाला नौजवान बढ़ाएगा, इसलिए नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी हमारा संकल्प है। इन दो संकल्पों को लेकर हम काम कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, सभी जनप्रतिनिधि, मुझे आशा है हम सामूहिकता के साथ मिलकर इस काम को करेंगे और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, संसदीय क्षेत्र के अंदर एक देश में उदाहरण दे सके कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच है, हर बच्चे की स्वास्थ्य की जांच है और वहां के स्कूल देश के सबसे बढ़िया स्कूलों में से स्कूल है। और इसके लिए मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि हमें हर गांव के अंदर शिक्षा की समिति बनाना चाहिए और 5 लोग 10 लोग उस स्कूल की चिंता करें और वहां पर एजेंडा तय करें कि हमें इस स्कूल के अंदर इन इन चीजों की आवश्यकता है। उसी तरीके से उस स्कूल के अंदर जो जो चीजों की आवश्यकता है, आप निश्चित मानिए 2 साल के अंदर हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के विद्यालय देश के सबसे बढ़िया विद्यालय बनाने का काम करेंगे। और इसी तरीके से उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य की जांच होगी, उसको जो जो आवश्यकता होगी पढ़ने की, किताब और अन्य चीजों की आवश्यकता होगी, वो उपलब्ध कराएंगे। और इसी तरीके से दूसरा काम, दूर दराज गांव में बैठा व्यक्ति, हर व्यक्ति की जांच हो जाए और जांच के बाद हम ये संतुष्ट हो जाए कि उनके कोई बीमारी नहीं, और जब भी आपको लगे कि कोई गंभीर बीमारी है और हमें बीमारी की जानकारी नहीं है, आप एमएलए साहब को टेलीफोन कर सकते हैं, उनके ऑफिस में टेलीफोन कर सकते हैं, कोटा संसदीय ऑफिस में टेलीफोन कर सकते हैं, आपके लिए डॉक्टर सौरभ हमेशा उपलब्ध रहेगा, चाहे कोटा में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चेन्नई में हो, हर व्यक्ति का इलाज करेंगे, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे। और इसीलिए हमारे इस कैंप के पीछे का उद्देश्य है कि गांव में जांच करेंगे और जांच करने के बाद अगर कुछ जांच में कुछ भी गड़बड़ नजर आई तो उस व्यक्ति को कोटा मिलाकर उसकी और जांचें कराएंगे और जिसका इलाज कोटा में हो सकता है उसका कोटा में कराएंगे और जिसका इलाज मान लो जयपुर में, दिल्ली में होना है, वहां जयपुर दिल्ली में बनाएंगे। इसी तरीके से एक मोबाइल कैंसर यूनिट भी चलेगी। इस मोबाइल कैंसर यूनिट के अंदर जिनको कुछ जांच में अंदेशा आया है, कैंसर की संभावना आई है, उसकी भी जांच कराएंगे, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि कैंसर का इलाज भी जयपुर दिल्ली में कराकर हर व्यक्ति को स्वस्थ रखें। ऐसे तो भगवान की कृपा है, स्वस्थ रहना, जीना रहना भगवान की कृपा है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम ये नहीं कहे कि ये तो भगवान जब चाहेगा करेगा, ये सही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना हर व्यक्ति का दायित्व है और इसीलिए हर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, चाहे उसे फल मिले न मिले, लेकिन कर्म हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जो दायित्व भगवान ने मनुष्य जीवन के रूप में दिया है, एक किसान अच्छी खेती करे, एक मजदूर किस तरीके से मेहनत के आधार पर अपने 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करे,
महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाए और किस तरीके से नौजवान को अच्छी शिक्षा देकर दुनिया और देश का अच्छा पढ़ने वाला शिक्षित नौजवान बनाए, ये हमारा दायित्व है। मुझे आशा है हम सब लोग मिलकर जब भी मोबाइल मिल जाएगी आप सहयोग करेंगे, गांव के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनके थोड़ी बीमारी का शंका है। और इसी के साथ अभी मुझे कुछ लोग मिले थे, मैं रास्ते में देख रहा था, ये बाबा बैठे हैं जिनके एक पांव नहीं है, कई के एक हाथ नहीं है, कई के दांत टूटे हुए हैं, कई के कमर लटकी हुई है, कई के गले खराब हैं, कई के चश्मे की आवश्यकता है। हमने पहले भी कैंप लगाया है और इस मोबाइल वैन के साथ साथ सभी व्यक्ति को जिनके दांत की आवश्यकता है दांत की बत्ती सी लगाएंगे, जिसमें चश्मे की आवश्यकता है चश्मा लगाएंगे, जिसकी कमर झुकी हुई उसके बेल्ट लगाएंगे, जिसके पैर नहीं उसके पैर एक पैर लगाएंगे, जिसके दो पैर नहीं उनके दो पैर लगाएंगे, जिनके हाथ नहीं दुनिया का बेहतरीन हाथ लगाएंगे, और जो भी संभव हो सकता है वो सारी की सारे सहायक उपकरण भी उसको मिले ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि गांव के अंदर देसी लेटरिन होती है और डॉक्टर कहता है कि आप वेस्टर्न लेटरिन बनाओ, गांव के लोगों के पास पैसा नहीं होता। इसलिए हम आने वाले समय के अंदर व्हील चेयर के साथ उस वेस्टर्न लेटरिन को बनाएंगे ताकि कई घुटनों की बीमारी के कारण कई बुजुर्गों को बैठने की दिक्कत आती है। कई बुजुर्गों को मैं देखता हूं कि घुटने से चला नहीं जाता और कहते हैं साहब से काफी से जी काई करना, नहीं, घुटनों का ऑपरेशन कराएंगे और वो अच्छा चल सके ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज दुनिया के अंदर चिकित्सा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन का लाभ जो दुनिया के अंदर बढ़िया रिसर्च हुए हैं उनका रिसर्च गांव तक के लोगों को मिले, जो जो भी अच्छी बेहतरीन जांचें हो रही उन जांचों का लाभ गांव के अंदर मिले वह हकदार है इसका बात का, वह भारत का नागरिक है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके भरोसे जयपुर और दिल्ली पहुंचते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जन प्रतिनिधि का कर्म निभाए दायित्व निभाए। मुझे केवल आपके सहयोग की आवश्यकता है, जो भी आपके पास जानकारी हो उसकी जानकारी दें, आप चिंता मत करो, भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम आपके हर काम को कर सकें और एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम सबके सहयोग से हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनका संकल्प है हर व्यक्ति स्वस्थ रहना, इस संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।